श्री सूक्तम हिंदी में श्री गणेशाय नमः। हे जात वेदा अग्निदेव, स्वर्ण के से रंग वाली, किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति, स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। अग्नि, उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाथ को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो। जो साक्षात ब्रह्म रूपा, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द्र तेजोमयी, पूर्ण कामा भक्तानुग्रहकारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्ग लोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशिला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमयी बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में, देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी का, जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीणकाय रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र और अमंगल दूर हो करो। जो दुराधर्षा और नित्य पुष्टा हैं तथा गोबर से युक्त गंध गुणवती पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। अग्नि, आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गोएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले से सूक्त का निरंतर पाठ करें। कमल सदृश मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे देवी, मेरे पास धन रहे, आप मुझे सभी अभिलक्षित वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पोत्र धन धान्य,
हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुड़ आप सोमपान करें। वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। हे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान के अभिलाषा वाले को प्रदान करें। भक्तिपूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है न ईर्ष्या होती है न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। कमलवासिनी हाथ में कमल धारण करने वाली अत्यंत धवल वस्त्र गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली भगवान विष्णु की प्रिया लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे भगवती मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की भार्या समाज स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया प्रिय सखी अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद करदम श्रिद और चिकलित नामक विख्यात चार ऋषि हुए उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाए। भगवती महालक्ष्मी ओज आयुष आरोग्य धन धान्य पशु अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इस प्रकार ऋक् परिशिष्ट में कथित श्री सूक्त संपूर्ण हुआ।